तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन डिविजिबल बाई 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब माइनस एन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दोनों में एन क्या आ रहा है? कॉमन। तो एन को कॉमन लिया, अपने पास क्या रह गया? एन स्क्वायर माइनस वन। तो एन स्क्वायर माइनस वन हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ए प्लस बी है माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस वन एन माइनस वन। अब एक बात और, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें था थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक किया था। तो हमने क्या माना था? एक एन है तो एक क्या होगा? एन प्लस वन, एक होगा एन प्लस टू। एक तो ये वाला चेक किया, और एक जो हमने चेक किया था, एक एन है तो एक एन माइनस वन भी तो हो सकता है और एक एन प्लस वन हो सकता है। यानी कि इस वाले केस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन दोनों में से कोई सा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने किया था इस वाले से, तो यहाँ पे भी ये वाला ही बन रहा है। एक एन है, इसमें भी एन है, एन माइनस वन एन माइनस वन, एन प्लस वन एन प्लस वन, यानी कि इस इन तीनों का प्रोडक्ट ही क्या है? एन क्यूब माइनस एन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 ही है, सेम टू सेम। वहाँ पे भी हमने इसको डिविजिबल चेक किया था 6 के लिए, यहाँ पे भी एन क्यूब माइनस एन लिख दिया, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, तो डिविजिबल बाई 6 चेक करना है। यानी कि जो एन है, एन क्या क्या हो सकता है? डिविजिबल बाई 6 है तो 6 क्यों के फॉर्म का हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म का हो सकता है। तो इन 6 केसेस के लिए हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, याद होगा। जैसे कि मैं सॉल्व करके बता दूं, एक सॉल्व करके बता देता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जैसे कि हमने माना था केस फर्स्ट में क्या लिखा था? एन को फॉर्म किस फॉर्म का माना? 6 क्यू के फॉर्म का। हमें निकालना है एन क्यू माइनस एन, ये चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो एन क्यू माइनस एन को हम लोग ये वाला भी लिख सकते हैं क्या? एन एन प्लस वन एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू हमने क्या पुट की? 6 क्यू। तो 6 क्यू लिखा, यहाँ पे 6 क्यू प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यू माइनस वन। तो ये तो डायरेक्ट ही 6 का मल्टीपल हो गया, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में आ रहा है। जैसे कि मैं लिखूँ 6 × 81, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे 6 आ चुका है, मतलब ये नंबर डिवाइड हो ही जाएगा। तो 6, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको आर मान लेते हैं, या और कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। आर इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई? क्यू, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू माइनस 1। तो ये एन क्यूब माइनस एन डिविजिबल होगा क्योंकि 6 आर, यानी 6 का मल्टीपल है ये। तो इस तरीके से हमने पूरे 6 केसेज के लिए चेक किया था। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखें। वीडियो समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।